दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई जानकारी लेकर के आई हूँ। ऐसा क्या डालते हैं नर्सरी वाले जिससे उनके पूरे पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स भरे पड़े रहते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फ्लावर का साइज भी अच्छा होता है, कलर भी उभर कर आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपके पौधे में बहुत सारे फ्लावरिंग होगी, कोई भी अगर कमियाँ हैं तो वो दूर हो जाएगी। आप मेरे सारे फ्लावर्स को देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि आप मेरे ये रोज़ का पौधा को देख सकते हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नर्सरी का सीक्रेट मैं शेयर करने वाली हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे ये गुलाब के पौधे को देख सकते हो, ये मेरा गुलाब का पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ आप देख सकते हो थोड़ी छोटी छोटी है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो अगर पत्तियों में अच्छे से नहीं मिलेगा तो पत्तियाँ भी छोटी हो जाती है, ठीक से वो ग्रीन नहीं दिखती है और फ्लावर भी बिल्कुल छोटा सा आता है। तो आप मेरे ये वाइट वाले फ्लावर को देख सकते हो, कितना छोटा इसमें फ्लावर आया हुआ है, यानी कि इसमें एक अच्छी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है जिससे ये पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ पौधे में ऐसा होता है कि जैसे कि पौधा तो ठीक रहता है लेकिन उसकी जड़ जो है वो सूखने के कगार में आ जाती है। जैसे आप मेरे ये रोज़ का पौधा को देख रहे हो, ये बिल्कुल सूखने के कगार में आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में कीड़े पनप जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आप अपने प्लांट की ठीक से केयर नहीं करोगे, अगर आप घर पर प्लांट लेके आए हो नर्सरी से, आप उसकी केयर नहीं करोगे तो वो प्लांट टिकता नहीं है, वो मर जाता है। बस पानी देने से कभी भी उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। आपको कुछ अच्छा देना ही पड़ेगा जिससे आपका पौधा अच्छा रहे। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हमें क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवाएँ खाती है, कुछ कुछ हमारा ट्रीटमेंट होता है तब जाके हम ठीक होते हैं। उसी तरह से पौधे भी होते हैं, इनमें भी कई प्रकार के रोग लगते हैं, तो इन्हें उस टाइप का फर्टिलाइज़र देना पड़ता है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर से फ्लावरिंग करे। तो क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये भी एक फर्टिलाइज़र है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका नाम है कोलकाता का मिशन। ये आपको हर एक नर्सरी शॉप में मिल जाएगा आसानी से। इसमें सभी चीज़ों का मिश्रण है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है और यही जो है ये पौधे के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। ये नर्सरी वाले लोग जो है छुपा के देते हैं, बताते नहीं हैं, उनसे पूछने पे वो बता देते हैं कि हम DAP देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके पौधे इतने स्वस्थ रहते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। दोस्तों फ्लावरिंग पाने के लिए हमें कुछ अच्छा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा खाना होगा, उसे ताकत मिलेगी, तब जाके वो फ्लावरिंग करेंगे। इसे मैं खोली हूँ इस पैकेट को, तो बिल्कुल एक मिसाइल जो पटाखे जलते हैं उसके बाद जो स्मेल आता है उस टाइप की कुछ स्मेल आ रही है। यही हमारे पौधे के लिए बहुत रामबाण है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम है। तो इसे देखिए, इस प्रकार का इसका पैकेट होता है। तो इसे देने का तरीका क्या है, जैसे कि मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, जिस भी पौधे में आप देने वाले हैं उसमें पानी मत दीजिए, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इस पॉट की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तो इसमें मैं दे रही हूँ। देखिए इस तरीके, सबसे पहले गुड़ाई कर लेना है, इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी निकाल लेनी है कम से कम 2 इंच तक। पॉट को बिल्कुल खाली कर देना है उसकी मिट्टी को ऊपर से। मिट्टी को निकालने के बाद आपको, अगर जैसे कि आपका 6-7 इंच का पॉट है तो उसमें 3 से 4 चम्मच इसे डालना है, इस तरीके से स्प्रेड कर देना है किनारे किनारे। इसके बाद क्या करना है कि उस मिट्टी को रिटर्न डाल देना है, इसमें मिट्टी से ढक देना है, ये धीरे धीरे जाके डिकम्पोज हो जाएगा, और पानी डाल देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डालना चाहिए। तो इसमें ये मैंने मोगरा के प्लांट में किया। दूसरा है दोस्तों, ये है पोटैश। पोटैश जो है ये क्या करता है, कोई भी अगर पौधे में आप दे रहे हो तो पोटैश जो है वो पौधे में फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप मेरे ये पत्ता बहार के पौधे को देख सकते हो, इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हालांकि इसमें पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, अभी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसमें बिल्कुल
फ्लावर भरा रहता है, क्योंकि ये बोगेनविलिया पत्ताबहार का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो ये पोटैश जो है वो हेल्प करेगा इसमें फिर से फ्लावरिंग करने में। ये पोटैश रेड कलर का होता है, पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है, ये बिल्कुल दरदरा होता है, ये दरदरा टाइप का ही होता है। तो ये क्या करेगा कि पौधे का जो फूल का साइज है उसको भी बढ़ाएगा, और जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे, क्लोरोफिल की कमी हो गई है, क्लोरोफिल क्या करता है पौधे की पत्तियां को ग्रीन रखने में हेल्प करता है, तो ये क्लोरोफिल की भी कमी को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से इसे देने का तरीका है कि मिट्टी की सबसे पहले अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है, और इसे आप पानी में भी घोल के दे सकते हो। तो मैं सूखा भी दे सकती हूँ, पानी में भी घोल के दे सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं सूखा दे रही हूँ दोस्तों ये पोटैश को, ये पूरा ठीक कर देगा पौधे को, विद इन वन वीक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कितना दी हूँ मैं, एक चम्मच के जैसा एक पौधे में दे दी हूँ। ये मेरा 6 से 7 इंच का पॉट है, तो इस तरीके से मैं एक चम्मच दे दी हूँ। अब मैं पानी डाल दे रही हूँ, तो ये धीरे धीरे जाके मिट्टी में मिल जाएगा और पौधे को अच्छा कर देगा। अगर आपके घर पे कोई भी सब्जी वाले पौधे हैं, मिर्ची का, करेला का, कद्दू का, आप उसमें दीजिए, सब्जी नहीं आ रही है, दोबारा से सब्जी आने लगेगी। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है पोटैश। और एक तरीका है फूल पाने का दोस्तों, अगर आपके पास पोटैश नहीं है तो आप दे सकते हो सरसों की खल्ली। सरसों की खल्ली ठंडे और बरसात के मौसम में आप दे सकते हो, ये पौधे में खराबी नहीं करेगा। बस गर्मी में इसे देने का थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें और गर्मी होता है और पौधे को ख़राब कर देता है। तो आप ठंडे में, और अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है अभी आप दे सकते हैं। तो बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा कीड़े भी आते हैं, तो कीड़ों को भगाने के लिए आप एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए, और इस तरीके से मिलाने के बाद पॉट में इसे डाल दीजिए। तो देखिए ये हल्दी मैं इसलिए डाली हूँ क्योंकि मेरे शायद एक पौधे में कीड़े आ गए हैं, और जब मैं इसे डालूंगी तो हल्दी में बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है। इसका इस्तेमाल से कोई भी कीड़े भाग जाते हैं, और इसकी महक जो है वो कीड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए भाग जाते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं पूरे बिछा दे रही हूँ अपने सदाबहार के पौधे में, क्योंकि सदाबहार के पौधे में कीड़े का बहुत जल्दी अटैक होता है, और ये फ्लावर का साइज को छोटा कर देता है, पत्तियाँ खाने लगता है, पौधा धीरे धीरे जाके सूखने लगता है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में कीड़े आ गए हैं। तो देखिए इस तरीके से। और एक दोस्तों ये है क्विक लाइम यानी कि चूना। अगर आपको लगे कि आपका पौधा बिल्कुल सूखने के कागार में आ गया है, जैसा कि आप मेरे ये रोज़ के प्लांट को देख सकते हो, ये बिल्कुल सूखने के कागार में आ गया है, तो चूना आप दीजिए। चूना आसानी से मिल भी जाता है, इसे इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं। तो इस तरीके से पॉट की मिट्टी को हटा करके क्विक लाइम को पूरे अच्छे से डाल करके पॉट में, उसके बाद रिटर्न आप मिट्टी डाल दीजिए या फिर गोबर खाद मिला के डाल दीजिए, तो पौधा बिल्कुल नया हो जाएगा, लगेगा कि ये कभी मरना ही वाला नहीं था, और फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। क्विक लाइम में पौधे को जिंदा करने की ताकत होती है। तो दोस्तों ये सब जानकारी जो है मैं आपको देती हूँ, तो अच्छा लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको चूना नहीं मिल रहा है तो आप चौक होता है ना जो बच्चे लोग लिखते हैं बोर्ड में, उस चौक का इस्तेमाल कीजिए आप उसका पाउडर बना के, तो भी उससे भी पौधे अच्छे हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है। अगर आपका 7 इंच का पॉट है उसमें आप चौक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप 2 चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना काफ़ी होगा एक पौधे के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको सारे नर्सरी का सीक्रेट्स बता दिया है कि किन पौधे के लिए आप किस टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छी मात्रा में फ्लावर पानी है तो आप पोटैश का यूज़ कर सकते हैं, पौधे को फिर से ज़िंदा करने के लिए चौक या फिर क्विक लाइम चूना का यूज़ कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस